हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पूजा कर ली हूँ, चाय वगैरह भी ली, पर नाश्ता नहीं बनाई हूँ। तो अब जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। पहले दोबारा मैं झाड़ू लगा के पोछा कर लूँ, क्योंकि सुबह जल्दी रहती है ना, तो बस जैसे तैसे झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार, और फिर बेड वगैरह ठीक कर ली थी, तो अब बस झाड़ू पोछा करना रह गया है। और ये 3-4 दिन हो गए हैं पौधे लाए हुए, तो देख सकते हैं कि कई सारी जो कली थी वो भी खिल गई है। एक फूल तो पहले से ही खिला हुआ था, तो वो अब सूख गया है, और 2 कली खिले हैं, 2-3 और है, तो वो 1-2 दिन में खिल जाएगा। और इतना सुंदर लग रहा था ना, एक ही फूल लेके आई, गुलाब का एक ही लेके आई हूँ, पर ये जो 2 खिले ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब फिर से मैं गुलाब 2-3 और गेंदा मंगाऊँगी। अभी मैं नहीं जाऊँगी, बस इनको बोलूँगी, क्योंकि ये भी ड्यूटी उधर ही जाते हैं, तो आते समय लेते आएंगे। पूजा करने के लिए भी हो जाती है, मैं हमेशा बाहर से फूल मंगाती हूँ, पर अपना रहेगा तो अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंदर जो रखने वाला था पौधा, उसका गमला धो के, क्योंकि बहुत पॉट में मिट्टी लगी हुई थी, तो अच्छे से साफ़ करके उसको अंदर रख दी हूँ। और बस दोबारा से अच्छे से झाड़ू लगा के पोछा लगा लेती हूँ, फिर जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। और ये कमरा बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि दोनों पॉट रख दिए और इधर फ्लावर पॉट भी पहले से है, तो एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा था ये कमरा। अच्छा लगता है अगर हरियाली हो कमरे के अंदर भी बाहर भी, तो ज़्यादा नहीं रख सकती क्योंकि देखभाल भी नहीं कर पाती हूँ, और फिर जब किराए के मकान में रहें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इधर उधर इतना सामान आप कहाँ लेके जाएंगे। अपना हो तो फिर तो आप जैसे मर्जी हो, जो रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो झाड़ू लगा के पोछा लगा लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊँगी। और थोड़े से कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, तो मैं हाथ से ही धो लूँगी, और जितने भी कपड़े हैं वो सॉफ्ट है तो हाथ से धो लूँगी। तो बरामदे में और उस कमरे में पोछा लगा ली हूँ, बस इस कमरे का रह गया है। और आज इसे भी नहलाना था। आज देखी हूँ सुबह में 2 छोटे छोटे कीड़े थे। अभी गर्मी का टाइम है तो वैसे इसको ज़्यादा नहीं होती है, पर पता नहीं क्यों इस बार थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये मीठा खाने लगा है। घर में कभी कुछ ऐसे अन्नू के लिए मंगाते रहते हैं, तो ये भी ज़िद करता है खाने की, और इसकी आदत भी है, अपना खाना नहीं खाता है, लेकिन जो हम लोग खाएँगे वो कहता है कि दो। तो इस वजह से भी शायद इसके हेयर भी बहुत गिर रहे हैं और कीड़े भी हो रहे हैं। आज मैं सुबह देखी हूँ, लेकिन ये नहाना नहीं चाहता है। यही इसको बेल्ट पहना सकते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहना सकती क्योंकि बहुत गुस्सा करने लगता है। तो शाम को आएंगे तो फिर बोलूँगी इनको, बेल्ट लगाते ही है घुमाने के लिए, तो फिर उस टाइम में ही नहला दूँगी। तो आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और आज नाश्ते में बना रही हूँ प्याज के पराठे। अन्नू को बहुत पसंद आती है, और कोई चीज़ उसको अगर अच्छा लगता है ना, तो फिर वो बार बार बोलेगा बनाने के लिए, पर प्याज के पराठे बनाना मेरे लिए मुश्किल है, फटने लगती है, चाहे कितना भी मैं बारीक चॉप करूँ पर मुझसे नहीं बनती है उतने अच्छे से। मैं 1-2 बार ट्राई की थी, जो स्लाइस में काटते हैं ना, लंबे लंबे लच्छे में काटते हैं वैसे, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बनती है। तो इसके लिए मैं चॉपर में आज चॉप की हूँ, और अब थोड़े से मसाले रख रही हूँ। तो मिर्च पाउडर रखी हूँ, और काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चटपटा बने, तीखा बने। और 1.5 चम्मच रखी हूँ चाट मसाला, और नमक सबसे लास्ट में रखूँगी, क्योंकि नमक डालते ही पानी छोड़ देता है, तो फिर तो पराठे बनाना और मुश्किल हो जाती है। 2 हरी मिर्च भी कट करके रखती हूँ, क्योंकि अन्नू को स्पाइसी बहुत पसंद है। और आटा लगा ली हूँ, आटे में भी थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच तेल डाल के फिर सॉफ्ट आटा तैयार की हूँ। Thank you.
अभी एक ही पराठे बनाई हूँ पर फट गई। मैं बहुत मतलब धीरे धीरे ऐसे इसको बेल रही थी, क्योंकि जब बारीक चॉप करते हैं प्याज को तो वो पानी उसी समय छोड़ने लगता है, तो जिस वजह से बनाना बहुत मुश्किल होती है। हल्के हाथों से इसको बेल रहे थे, फिर भी थोड़ी बहुत फट गई, पर दूसरे फिर बनाई, तीसरा बनाई तो वो अच्छा बना था, फिर ठीक बना था। तो नाश्ता लगा ली हूँ और अब नाश्ता कर लेती हूँ। टाइगर का भी इधर नाश्ता हो गया है, तो अनु को तो दही के साथ दे रही हूँ और अपने लिए मैं अचार लूँगी। धनिया नहीं था तो चटनी नहीं बनाई, वरना चटनी बना लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ। ऐसे भी अच्छा लगता है, पर मुझे आदत है कि चटनी या अचार कुछ होना चाहिए। पर टेस्टी बहुत बनी थी, और ख़ासकर जो चाट मसाला डालते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आटे में नमक डाली थी तो इस वजह से, नमक और 1 चम्मच तेल, तो इस वजह से पराठे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने थे, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो जो पहला वाला पराठे बनाई थी ना वो थोड़ा सा फट गया था, तो वो मैं खुद ले ली हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा अच्छा वाला बना के दो तो ही खाना चाहते हैं, ऐसे नहीं खाना चाहते कि नहीं ये तो ख़राब दिख रहा है। खाने में बच्चे बहुत नखरे करते हैं ना। तो नाश्ता करके आ गई हूँ, कपड़े जो है वो धो लेती हूँ, नहीं तो फिर धीरे धीरे धूप हो जाएगी तो फिर तो आंगन में बैठा नहीं जाएगा। और अभी 9 बज रहे थे, और ये शाम को थोड़ी देर बैठते हैं बाहर तो चेयर रख देते हैं, पर बहुत सारे जो इधर पेड़ पौधे हैं तो उसमें अब फूल आने लगे हैं, तो वो नीचे की तरफ गिरते हैं, तो कुर्सी बहुत गंदा हो गया था, और पक्षी के भी बहुत सारे 40 थे, तो धो के इसको अंदर ही रख देती हूँ। धूप में रखने की वजह से ना कलर भी ख़राब हो गए, कभी कभी भूल जाती हूँ या आलस भी कर देती हूँ, तो बाहर ही रह जाता है पूरे दिन, तो धूप की वजह से थोड़े कलर भी ख़राब हो गए। तो इतना ही कपड़ा है, तो इसके लिए मैं कहीं कि मशीन क्या लगाऊँ, इतने के लिए हाथ से ही धो लेती हूँ। तो जो सर्फ़ बच गया था, सर्फ़ का पानी, उसी से मैं आंगन साफ़ कर दूंगी। मैं ऐसे ही जब कपड़े धोती हूँ हाथ से तो फिर ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आंगन थोड़ा सा भी अगर चिकना रहे तो बाहर घूमना फिरना रहता है तो पैर स्लिप करेगी। और मैं ज़्यादातर पूजा का बर्तन यहीं धोती हूँ, कपड़े भी अगर हाथ से धोना है तो यहाँ धोती हूँ, क्योंकि बाथरूम बहुत छोटी है, तो इस वजह से। और मेरी आदत भी है, वीक में कम से कम एक बार तो बरामदा और आंगन है किचन है सर्फ के पानी से अच्छे से धोती हूँ, अच्छा रहता है ना, साफ़ हो जाती है बढ़िया से। पर जब कभी तबीयत ठीक ना हो तभी करती हूँ। और अभी आप देख सकते होंगे मेरे एक पैर में काफ़ी स्वेलिंग हो गई है, मुझे उस पैर में प्रॉब्लम है, पर जब चलने लगते हैं तब ज़्यादा हो जाती है। और मैं उस दिन गई पटियाला तो हॉस्पिटल में भी भाग दौड़ ज़्यादा हुई, और गुरुद्वारे गई तो चलना काफ़ी हो गया, जिस वजह से एक पैर की स्वेलिंग काफ़ी बढ़ गई है। पर काम तो फिर भी करना है, मन तो नहीं हो रहा था, पैर में दर्द इतना होता है, लेकिन घर के काम तो करने ही है, चाहे आप स्वस्थ हो या ना हो, मन हो आपका हो या ना हो, नहीं करेंगे तो फिर ये पड़ा रहेगा, अगले दिन फिर काम बढ़ जाती है तो आप ही को करना है। तो मैं कही चलो आलस नहीं करते हैं, कर लेती हूँ काम, और सुबह जल्दी उठ के ये सब काम कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। गर्मी के टाइम में तो जितनी सुबह काम कर ले उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है काम करने का मन नहीं होता। तो अभी मैं शाम के टाइम में मिल रही हूँ, ये आ चुके थे ड्यूटी से, आज थोड़ा जल्दी ही आ गए, तो इनको सेका हुआ पापड़ बहुत पसंद आती है, तो पापड़ सेक ली हूँ और चाय इधर बना के लेके आई हूँ। और अनु अभी सोया हुआ था तो अभी जस्ट उठा है, मैं पूछी चाय पियोगे तो बोला नहीं चाय नहीं पीनी है। पहले पहले बहुत ज़्यादा था हाँ, प्राइस, अभी अगर कम हो पहले गया, कितना था, 1400 रुपये था अभी भी ना। इसका प्राइस ज्यादा ही है, बट अभी मैं नए अकाउंट से खरीद रहा हूँ इसलिए 120 रुपए का ऑफ मिलेगा। और तो अभी चाय नाश्ता हुई है, शाम का टाइम है,
और अब जाऊंगी मार्केट, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है। उस दिन मैं गई थी, जिस दिन गई थी नर्सरी पौधे खरीदने के लिए, तो फिर जल्दी आना पड़ा तो मैं नहीं ले पाई, तो आज जा रही हूँ। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत सामान है जो खत्म हो गया। सबसे ज्यादा मैगी और बिस्किट खत्म होती है। मैगी अनु को पसंद है तो नाश्ते में ज्यादातर वो मैगी ही खाना खाता है, तो मैगी खत्म होती है और बिस्किट और ब्रेड जो डॉग को देती हूँ इसके लिए, और भी कुछ है तो वो सब लेने के लिए जा रही हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, अभी टाइम ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ा और शाम होने देती हूँ, उसके बाद अभी ये बच्चा यहाँ सोया है। इसको तो सुबह शाम अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे दिन बस सोते रहता है, बस खाने के बाद थोड़ी देर मस्ती करता है और उसके बाद पूरे दिन सोया रहता है। रात में भी एक बार भी नहीं उठता है, पता नहीं क्या खाता है। इसको खाना खाने के बाद नशा हो जाती है, थोड़ी देर मस्ती करता है और उसके बाद जो सोता है तो फिर उठता ही नहीं। तो मैं अपनी वीडियो की यही एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।